नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक दो दिनों से आप सभी लोग टाटा हैरियर के एक्सीडेंट का एक फेसबुक पोस्ट देख रहे होंगे, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को केरला के कट्टक कड़ा में रहने वाले एक सर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस कार से वो ट्रेवल कर रहे थे, उस कार का एक्सीडेंट न्यू ईयर की रात हो गया। एक्सीडेंट में गाड़ी पूरी पलट गई और बुरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन फिर भी अंदर बैठे लोगों को एक स्क्रैच तक नहीं आया। ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि टाटा हैरियर थी। ज्यादातर लोग इसके फोटोज को दूसरे ग्रुप्स में देखकर कमेंट्स कर रहे थे कि ओनर जानबूझकर तेज रफ्तार में गलत तरीके से ड्राइव कर रहा होगा, जिससे कार अनकंट्रोल होकर रोल हो गई होगी। लेकिन जब मैंने इस पोस्ट में किए गए सारे कमेंट्स पढ़े, तब मुझे सारी रियलिटी पता लगी। हालांकि ये कमेंट्स मलयालम में थे, जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक्सीडेंट एक रॉन्ग साइड में आ रहे लॉरी से बचने के चक्कर में हुआ है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है, तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सर ने बताया कि सामने से रॉन्ग साइड में एक लॉरी आ रही थी, जिससे बचने के लिए कार को सड़क से नीचे उतार दिया गया और वो स्लिप हो गई। सड़क से नीचे स्लिप होते ही कार का शायद टायर फट गया, इसीलिए वो पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर पलट गई और एक पेड़ में भी जाकर लड़ गई। फोटोज में आप देख सकते हैं कार की हालत कितनी बुरी हो गई है। ये हर तरफ से डैमेज दिखाई पड़ रही है। हालांकि पलटने के बाद भी इसके सारे पिलर्स इंटैक्ट हैं, और यही वजह है कि अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स बिना किसी मेजर इंजरीज के सेफली बाहर आ गए। सर ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि अगर इस जगह पर कोई दूसरी गाड़ी होती तो शायद मैं इसको ना लिख पाता। वाकई में यहाँ पर हैरियर की जगह कोई और गाड़ी होती तो मेजर इंजरीज आने के चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि टाटा मोटर्स ही एकमात्र ऐसी कार मेकर है जो इंडियन मार्केट के लिए अपने गाड़ियों को औरों से ज्यादा मजबूत बनाती है। ये हैरियर का XM वेरिएंट है, जिसके सेफ्टी फीचर्स में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं। टाटा हैरियर का एक शोरूम प्राइस 13.84 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर 20.30 लाख रुपीस तक जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।